हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने जो है सीआईटी से रिलेटेड अपडेट दिया था कि काउंसलिंग है वो इसकी स्टार्ट हो चुकी है, और उम्मीद करता हूँ बहुत से लोगों ने यहाँ पे है जो अपनी काउंसलिंग के लिए है फ़ी पे कर दी होगी और अपनी जो कॉलेज सेलेक्शन है वो कर ली होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी 12 अगस्त है वो लास्ट डेट रखी गई है काउंसलिंग की। अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाते हैं और अगर आपके चांसेस यहाँ पर फर्स्ट राउंड के ही बन रहे हैं, तो फिर सेकेंड राउंड में ऐसा होगा फ्रेंड्स कि कॉलेजों के अंदर जो सीटें होगी वो बुक हो चुकी होगी, तो वहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट राउंड के अंदर ही अपनी काउंसलिंग करवा लें। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, हम फर्स्ट राउंड के अंदर काउंसलिंग नहीं करवाना चाहते, सेकंड राउंड में है जो काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो क्या हमारे को सेकंड राउंड के, अगर हम जैसे फर्स्ट राउंड में फ़ी पे नहीं करते सेकंड राउंड में करें, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का रिस्क ना लें, क्योंकि ऐसा भी कर सकता है डिपार्टमेंट कि आपका ओनली जो फर्स्ट राउंड हो उसके अंदर ही आप फ़ी पे कर सकते हैं, बाकी हर राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा कई, अगर ऐसा कर दे डिपार्टमेंट कि अगर फीस आपकी फर्स्ट राउंड में जमा हो रही है और आप ये सोच के बैठे हो कि हम हैं जो सेकंड राउंड के अंदर जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम फीस जमा करा देंगे, अगर वहां पर फीस जमा करवाने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप है जो सीआईटी से बाहर हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी काउंसलिंग के लिए जो फीस है वो जमा कराएं, उसके अलावा उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड राउंड में ही पार्टिसिपेट करें तो आप फिर वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का रिस्क ना ले, आप पहले फी पेमेंट करवा दें और अपने कॉलेज सेलेक्शन के लिए, वैसे कॉलेज सेलेक्शन के लिए डाल दें। फर्स्ट राउंड में अगर आपका फर्स्ट चॉइस आपको मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करके आपकी फर्स्ट चॉइस है वो प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर, हमारे हैं जो हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं तो क्या हमारे को एनएसटीए मिल जाएगा, या हम हमारे नियरेस्ट आईटीओटी में जाना चाहते हैं तो ये मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि होगा क्या फ्रेंड्स कि मैं तो आपको बोल दूं कि हाँ इतने परसेंट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं होता है इतने परसेंट पे एनएसटीआई के अंदर या आईटीओटी के अंदर, तो आप है जो मेरे को ही दोष दोगे कि सर आपने तो बोला था हो जाएगा नहीं होगा। तो इस चीज़ से आप है जो अभी थोड़ा दूर ही रहे। बाकी कई लोग ऐसे भी कह रहे थे कि हमारे जो फीस पेमेंट के अंदर है वो दिक्कत आ रही है, कि हमारा जो पेमेंट प्रोसेस है वो नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको एक बार वो भी लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि पेमेंट प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम पेमेंट प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं, तो हम एक नई साइट है वो ओपन कर लेते हैं, इसके अंदर ही सीआईटीएस की नई पेज है वो हमने ओपन कर लिया है, और एक स्टूडेंट का यहाँ पे आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं पेमेंट सेक्शन ही। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट की आईडी है वो लॉगिन कर लिए, काउंसलिंग राउंड फर्स्ट है वो हम यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर है जो अभी तक इन स्टूडेंट्स ने है जो पेमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कॉलेज तो सेलेक्ट कर दी है, और यहाँ पर इनकी सिर्फ एक कॉलेज का ही यहाँ पर जो है सीट्स बताई जा रही है, पर यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा कि इनकी सीट है वो यहाँ पर जो है वो फिक्स है कि नहीं है, या यहाँ पर कोई कलर कोडिंग नहीं दिखा रखी कि ग्रीन कलर से है या ऑरेंज कलर से, रेड कलर से जो आता है वो दिखा, कुछ भी नहीं दिखा रखा। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनको जो है पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट के लिए जैसे ही फीस काउंसलिंग फीस नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट सेक्शन ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे आप नीचे देख रहे हो पे का ऑप्शन, जिस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट चार्ट है वो ओपन हो जाएगा। आपकी जो फीस है, कितनी फीस आपकी लगने वाली है, टोटल अमाउंट यहाँ पे दिखा दिया गया है, और पेमेंट है वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग, वॉलेट और यूपीआई के थ्रू भी यहाँ पे आप अपना पेमेंट है वो कटवा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, यहाँ पर नेट बैंकिंग करते हैं तो भी आपका जो पेमेंट है वो कट सकता है, यूपीआई के थ्रू भी कट सकता है, और मैं तो कहता हूँ यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं आप, जहाँ पर आप जनरेट, जैसे ही आप जनरेट क्यूआर कोड जैसे जनरेट करेंगे तो आपके सामने जो है क्यूआर कोड आ जाएगा, जिसको आप अपने फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई या भीम और ये जैसे गूगल पे होते हैं उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके इजीली जो है अपना पेमेंट है वो कटवा सकते हैं। तो इस चीज़ का है जो कोई इशू नहीं है, जैसे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे ये ऑप्शन आ ही नहीं रहा, आपके सामने लाइव प्रूफ है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी पेमेंट की बात, और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम जैसे हैं पेमेंट भी कर दिए हैं और हमारे हैं जो चार्ट शो नहीं हो रहा कि हमारा जो एडमिशन है जो हमने कॉलेज सेलेक्शन किए हैं उसके अंदर हमारा जो पोजीशन क्या है। तो पोजीशन के लिए फ्रेंड्स देख लीजिए, हमने ये एक स्टूडेंट की, दूसरी स्टूडेंट की है जो आईडी खोल रखी है, यहाँ पे काउंसलिंग राउंड फर्स्ट का जो है लिंक उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग राउंड फर्स्ट की जो लिंक है उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्टूडेंट्स का है जो चार्ट है वो
ओपन हो चुका है। यहाँ पर इनका देख सकते हो आपने जो ये कॉलेज सिलेक्शन किए हैं, तो यहाँ पर इनको है जो इन्होंने फर्स्ट चॉइस है NSTI नोएडा को रखा है, जिसके अंदर जनरल कैटेगरी की 14 सीट है और इनकी पोजीशन है वो फोर्थ चल रही है। और यहाँ पर जनरल एफ देख सकते हो तो इसके अंदर 6 सीट है और इनकी पोजीशन फोर्थ चल रही है। OBC की सीट यहाँ पे 9 है और इनकी पोजीशन सेकंड चल रही है। OBC एफ के अंदर यहाँ पे सीट 4 है और इनकी पोजीशन है वो 2 चल रही है। और अगर आप इसी तरीके से इन NSTI के जो आपने अलग से इसमें 5 ऑप्शन थे तो जिनको ऐड किए, तो उनको एक बार आप यहाँ पर फर्स्ट चॉइस रख के भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे मेक अ फर्स्ट चॉइस एंड चेक, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ये जो NSTI कानपुर है वो NSTI नोएडा की जगह चल जाएगी और NSTI नोएडा है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। तो आपको NSTI कानपुर के अंदर भी आपकी पोजीशन पता चल जाएगी कि आपकी पोजीशन फिलहाल क्या है। तो एक बार हम इसमें आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने है जो NSTI नोएडा को तो सेकंड पोजीशन पर रख दिया और NSTI कानपुर को फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया, जिसके अंदर जनरल के अंदर यहाँ पर 21 सीट है, बट यहाँ पर इनकी पोजीशन है वो 35 आ रही है। ये 35 क्यों आ रही है? क्योंकि फ्रेंड्स 21 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर इनके मार्क्स से ज़्यादा हैं, इस कारण से यहाँ पर जो इनकी पोजीशन है वो यहाँ पर येल्लो कलर से हो गई कि इनकी सीट है जो अभी बहुत ही डाउन चल रही है। तो यहाँ पर इनका अभी इस कानपुर के अंदर जो है जनरल सीट पर इनको है जो सीट नहीं मिल सकती। बात करें यहाँ पे जनरल एफ के अंदर तो 9 सीट है यहाँ पर और इनकी पोजीशन है वो 3 चल रही है। OBC के अंदर यहाँ पे 14 सीट है और इनकी पोजीशन है 20 चल रही है। मतलब यहाँ पर अगर OBC की भी सीट पर ये जाना चाहे तो वहाँ पर ये नहीं जा सकते, क्योंकि इनके मार्क्स है वो अभी बहुत कम है इन सीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देख सकते हो OBC एफ के अंदर 6 सीट है और यहाँ पे इनके 3 पोजीशन चल रही है। मतलब इनके जो है जनरल एफ और जनरल और यहाँ पे OBC एफ के अंदर यहाँ पे इनको सीट मिल सकती है, बाकी यहाँ पे जनरल के और OBC के अंदर यहाँ पे इनको सीट है वो नहीं मिल सकती। तो ये चीज़ आप है फ्रेंड्स जो 12 अगस्त तक ये है जो इसी तरीके से चेक करते रहे। जिस भी NSTI के अंदर आपकी पोजीशन है वो कंफर्म ग्रीन कलर से रहती है, जैसे कि अभी इनके नोएडा के अंदर थी तो इनकी सीट है वो कंफर्म थी जनरल OBC के अंदर, तो वहाँ पर इनके सीट जो मिलने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर इनको सीट है वो 12 तारीख तक अगर इसी तरीके से इनका जो है रहा कि ग्रीन कलर से पोजीशन रही, तो इनको है जो NSTI फर्स्ट चॉइस NSTI नोएडा है वो कंफर्म है कि मिल जाएगी। और जो कई लोग पूछ रहे थे कि हमने जो है ये कॉलेज सिलेक्शन कर लिया तो अब हमारी सीट क्या कन्फर्म हो गई, तो फ्रेंड्स ये चीज़ अभी कन्फर्म नहीं हुई, क्योंकि हर किसी ने अभी तक यहाँ पर कॉलेज सिलेक्शन नहीं किया। जैसे ही अगर कोई और लोग यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन करते हैं, अपनी फीस पेमेंट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स अगर उनके नंबर आपके नंबर से ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर आपकी पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। तो ये चीज़ आप अभी कंफर्म मान के मत चलो, क्योंकि 12 तारीख को जैसे ही साइट यहाँ पे ऑफ होती है, ऑफ होने के बाद जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी पोजीशन है जो कंफर्म होगी। और पोजीशन कंफर्म होने के बाद में फ्रेंड्स आपके सामने जो है आपका जो कंफर्मेशन है, यहाँ पे आप जैसे कंफर्मेशन होगा तो आपका कंफर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा, जिसकी जो आपका PDF है, PDF फॉर्म में ये जो चीज़ है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि ये हमारा पिछले ईयर का है, जैसे हमने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर है जो पार्टिसिपेट किया और हमने फर्स्ट चॉइस ही है जो NSTI मुंबई को दी थी, तो NSTI मुंबई को जैसे हमने दी तो हमारा फर्स्ट चॉइस के अंदर ही हमारी जो कॉलेज सिलेक्शन है वो हो गया। और जैसे ही फर्स्ट सिलेक्शन हुआ तो हमारा जो है यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन के लिए है जो ये चार्ट है वो बनकर आ गया। अब जैसे ही ये चार्ट बन जाता है, ये चार्ट बनने के बाद में फ्रेंड्स आपको इसको है जो अपने फ़ोन में, लैपटॉप में या किसी भी थ्रू है जो आप इसको सेव कर लें, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। और बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आपको सेफ रखना है, जैसे एक तो आपके हो गया ये जो काउंसलिंग फर्स्ट के अंदर आपका जैसे ही एडमिशन होता है वो वाला लेटर, तो इसको आपको सेव रखना है। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप यहाँ पर काउंसलिंग की फ़ीस है, जो पेमेंट फीस है जो कटवाए हैं 1000 रुपीज़ की, तो इसकी रिसिप्ट, इसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रूफ ही आपको जो है प्रोविजनल एडमिशन के अंदर है जो सहायता करेंगे। वहाँ पर आपसे हर एक चीज़ की रिसिप्ट मांगी जाएगी, आपके काउंसलिंग के अंदर जो फर्स्ट नंबर आया है उसकी जो लिस्ट है वो आपसे मांगी जाएगी, जैसा कि अभी इनका जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है फ़ोटो के माध्यम से, तो ये चीज़ आपसे है जो मांगी जाएगी वहाँ पर। तो इन चीज़ों को आपको सेफ रखना है। और भी कोई अगर इसके अंदर दिक्कत आती है तो आप मेरे को ज़रूर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है वो ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और इसी तरह की जो अपडेट कंटेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन है वो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और इसी तरह की जो अपडेट है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे दे देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, उनका लिंक है ग्रुप का जो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ से कि आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर और इलेक्ट्रिशियन गुरुजी परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और इसी तरह के अपडेट है वो आप पा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।